बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अस्सलाम वालेकुम। पजी होम शेफ लोग में आप सबको खुश आमदीद। वातु जिलु मंतशा वातु इज़ु मंतशा, बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है नवाजता है। सारी रात बारिश होती रही और बहुत प्यारा मंज़र हो चुका है। सुबह का मंज़र बहुत खूबसूरत है और दरख्त भी हरे भरे हो गए हैं। चलिए चलते हैं किचन की तरफ। और अब मैं बना रही हूँ कलेजी। कलेजी लेके सबसे पहले मैंने बर्तन में पानी डाल के इसको बॉयल कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। बॉयल करने से एक तो इसका कलर भी चेंज नहीं होता जब बनाई करते हैं, एक तो हार्ड नहीं होती है, दूसरा इसका बादीपन निकल जाता है और ये गंदा पानी सा निकल जाता है। तो यहाँ मैंने पानी भी इसका निकाल लिया है और प्याज लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने, प्याज 2 से 3 अदद लिए हैं और एक एक चम्मच लाल मिर्च, धनिया, नमक, हल्दी पाउडर। हल्दी मैंने यहाँ 2 जगह पर रखी हुई है और टमाटर। सबसे पहले मैंने कुकर लगाना है, कुकर में लगाने के लिए मैंने कलेजी डाली है, फिर मैंने प्याज डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और लाल मिर्च पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डालना है, बड़ी इलायची डालनी है, एक लौंग है और एक दालचीनी का टुकड़ा। इससे स्मेल भी नहीं आती इसमें। तो और अब कुकर मैंने गर्म लगा पानी दिया करके है यहाँ इसमें और शामिल 10 से 15 मिनट करना लगेंगे कलेजी गल जाएगी। और अब मैंने इसको निकाल कर शिफ्ट किया है कढ़ाई में और अब मैं इसको भूनने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 2 से 3 अदर टमाटर कट करके डाल दिए हैं और इसको भूनना है। आप ऑयल डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। नमक डाला है यहाँ मैंने, देखें अब नमक डाला है और अदरक, हरी मिर्च, ज़ीरा और लीमू। हाँ जी, ये भी मसाला भूनते भूनते हमने डाला है और बहुत प्यारी खुशबू आती है जब ये डलते हैं। भुनाई के दौरान इन्हें डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होगा। आप दही डाल के इसको भून लेंगे, नाज़रीन मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अब इसकी बारी है ये डालने की, तो मैं डाल के इसको भूनूंगी और इतनी प्यारी इस दर से खुशबू आ रही है, कलेजी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। और आप इसको बना कर खाइए। ईद पर तो वैसे ही फर्स्ट डे बनाई जाती है। और अब इसमें नींबू निचोड़ना है। नींबू हर घर में डिफरेंट तरीके से कलेजी को बनाया जाता है, हमारे घर में इस तरह से बनती है, मैं इस तरह से बनाती हूँ। बहुत प्यारी बनती है, बिल्कुल भारीपन नहीं होता खाने के बाद। और दोपहर को तो तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। कलेजी बनाई होकर डन हो गई है। गरम मसाला डालना है और हरा धनिया डाल के मैंने इसको गार्निश खा करना है। और अब मैंने ऑर्डर करके ये हाथों पैरों के लिए क्रीम मंगवाई है, हैंड एंड फिट ईशा प्रोडक्ट, वाइटनिंग है, फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, विद चारकोल के साथ है। चारकोल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, डबल एक्शन के साथ है, रिमूव करता है ड्राई क्यूटिकल्स को, वाइटनेस, डार्क नकल्स को, सॉफ्ट हैंड एंड फिट के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। आप इसे चाहें ऑर्डर कर सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी ले लें और इसको स्क्रब की तरह करें। इसमें दानेदार स्क्रब तो नहीं है लेकिन है अच्छा ये स्क्रब, चारकोल स्क्रब बहुत अच्छा होता है। अब इसको रिमूव करें और आप इसको वॉश कर लें। और क्रीम है इनकी, वाइटनिंग क्रीम है, बहुत अच्छी है। जब आप वॉश कर लें तो आप ये लगाएं, इसे हैंड आपके सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये 175 ml में है, ये ईद सेल लगी हुई थी तो मैंने इसे ऑर्डर की है। ईद सेल में ये डिस्काउंट के साथ मुझे मिली है 800 में 2, यानी दोनों दोनों ट्यूब्स में मिली है। इतनी
कम प्राइस में इतनी डबल 170 ml अगर मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये ईद ऑफ़र थी तो अभी भी लगी होगी, आप इसे मंगवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।